ये फिली लाल रत्न की है, इसकी माँ हंसराज बरकाना की है, तो इसकी अभी उम्र 3 महीने की हुई है। ये हमारे फार्म की बेस्ट क्वालिटी की बेस्ट बच्ची है ये, कि इसके जो इसकी मजबूती है, जो इसका नेक है, जो फेस पटा है, या बाकी लेंथ या हाइट, बाकी मजबूती है जिसमें, तो बहुत ज़्यादा है। पहले तो इसको तैयार करेंगे, अभी 2 साल लगेंगे इसको तैयार करने में, 2 साल के बाद फिर इसको शो में डालेंगे कि कौन से शो। तो जी, हम पंजाब के बेहद खूबसूरत स्टड फार्म ढिल्लो एआली स्टड फार्म में मौजूद हैं, जिला है लुधियाना। भाई जी हमारे साथ भी हैं और बेहद ही खूबसूरत इनके पास घोड़े घोड़ियां हैं और काफ़ी चर्चे में भी रहते हैं अपने घोड़े घोड़ियों के लेके। भाई जी से बात करेंगे। भाई जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। भाई ये पहले तो आपका वेलकम, आप फार्म की वीडियो बनाने के लिए आए हैं। भाई जी फिर थोड़ा दसो इसके बारे में। हाँ, ये फिली लाल रतन की है, इसकी माँ हंसराज बरकाना की है, तो इसकी अभी उम्र 3 महीने की हुई है अभी। अगर भाई जी अभी हाइट तो अभी बच्चे की हाइट तो नहीं नापते, तो जब बड़ी हो जाएगी, जब ये 1 साल की हो जाएगी, तो हाइट का फिर 60 इंच काट बाट 63 इंच हो जाती है। तो ये 3 महीने की है अभी 3 महीने की है। अच्छा, आपके लाल रतन के भी बड़े चर्चे हैं। हाँ जी, वो उन्हों 8-9 शो जीत चुका है वो। अभी पहले शो गुजरात लगाया था, फिर उसके बाद सारनखेड़ा, ऐसे कई शो लगाए, पंजाब में भी लगाए, तो विनर रहा सभी शो में। तो भाई जी इस ये लाल रतन की है, तो इसमें अब क्या खूबियाँ आप देख रहे हो? ये हमारे फार्म की बेस्ट क्वालिटी की बेस्ट बच्ची है ये, कि इसके जो इसकी मजबूती है, जो इसका नेक है, जो फेस पटा है, या बाकी लेंथ ते हाइट, बाकी मजबूती है जिसमें, तो बहुत ज़्यादा है। बहुत अच्छी जा रही है। तो ये बढ़िया होगी, बढ़िया बनेगी जाके आगे में। माँ का क्या नाम था भाई जी? इसकी माँ का नाम है रूपरेखा। रूपरेखा, हाँ। रूपरेखा के बारे में थोड़ा सा बताएं। रूपरेखा वो हंसराज बरकाना की है, वो राजस्थान से ली है वो। अच्छा जी। उधर से गुड़ी आई थी वो, लाइन वाली अच्छी गुड़ी है, बच्चे वाली गुड़ी है। तो इसको अब कैसे तैयार कर रहे हो आप? अभी तो ये माँ का दूध पी रही है अभी, तो अभी 1 मंथ, 1-2 मंथ और रहेगी माँ के साथ। अच्छा। उसके बाद फिर इसकी अलग से फीड चलेगी। अच्छा भाई जी, मैंने ये भी सुना है कि आप फीड पे बड़ा अच्छा काम करते हो। लाल रतन की फीड तो काफ़ी अच्छी आपने सेट कर रखी है। जो हमारे दोस्त हैं सोनू कुमार जी एम्प्रोवाइसी वाले, तो उनका बड़ा देन है, तो वो उनको वो इम्पोर्ट कराते हैं फीड को, तो घोड़ों के लिए बहुत अच्छी फीड है वो। अच्छा, उनके साथ शाइन चमक और पूरी अच्छी आती है। बाकी और बहुत प्रोडक्ट हैं वो उनके पास, जो हम घोड़ों को देते हैं, तो अच्छे रिजल्ट हैं उनके। अच्छा, घोड़े बच्चे अच्छे तैयार होते हैं, बच्चे जो होते हैं या घोड़े होते हैं, जो भी चीज़ लेते हैं, अच्छे प्रोडक्ट हैं वो, अच्छे तैयार होते हैं जानवर। फीड का कमाल हो जाता है। फीड का कमाल होता है। अच्छा भाई जी, इसको आगे फिर आप कैसे प्लान कर रहे हो, कैसे आप कंपटीशन में लेके जाओगे, किस तरीके? हाँ, पहले तो इसको तैयार करेंगे, अभी 2 साल लगेंगे इसको तैयार करने में, 2 साल के बाद फिर इसको शो में डालेंगे कि कौन से शो में डालना है, कहाँ पर डालेंगे, क्योंकि 2 साल के बाद में अभी कुछ अभी तो तैयार अभी तो 16-17 महीने इसको तैयार करेंगे, उसके बाद फिर इसको शो में डालेंगे। ठीक है। अच्छा भाई जी, फिर आप कितने टाइम से इसके फार्म में हो, स्टड फार्मिंग? हमने ये 9-10 साल हो गए शुरू काम किए को। हाँ। आपका शौक कैसे पड़ गया फिर स्टड फार्म में? स्टड फार्म में शौक तो पहले ही था, तो क्योंकि जिमीदार घरों में पहले से ही घोड़े होते हैं, तो और भी शौक तो होती हैं। फिर हमारे मेरी सिस्टर की मैरिज हुई थी उधर सानेवाल, तो जीजा जी के पास, इनके पास जानवर रखे हुए थे घोड़ियाँ। अच्छा। तो उनका साथ मिला, तो उसके बाद फिर जानवर हमने लिए थे। फिर आप भी आ गए हैं, आपको भी शौक? हाँ, शौक तो पहले ही था, तो ऐसा था ना, तो कोई मार्केट में कोई जानता नहीं था घोड़ा कैसे, क्योंकि देखना पड़ता है ना कि हमने कौन सा कैसे लेना है, कैसे नहीं लेना है, तो वो उसका एक्सपीरियंस जरूर होना चाहिए, तभी ले पाएंगे। तो उनको था, तो उनके साथ फिर बंदों के मिले, फिर अच्छे बंदे मिले, तो
फिर जानवर लिए फिर काफी। भाई जी एक सवाल ये है कि अभी आपके स्टड फार्म में कितने घोड़े घोड़ी हैं? अभी हमारे पास 32 जानवर हैं। अच्छा 32 हैं जी। हाँ जी ठीक है। ये किस किस ब्रीड के हैं जी? ये सारे मारवाड़ी हैं। अच्छा मारवाड़ी। हाँ सारे मारवाड़ी हैं। अच्छा मारवाड़ी का ही है सारे। हाँ जी। मैं भाई जी के स्टड फार्म की एक और खासियत बता दूँ, लाल रतन जो है वो भाई जी का एक घोड़ा है, वो कई जो स्टेट लेवल के अवार्ड भी है वो भी जीते। हाँ जी हाँ जी, बाहर जैसे आपको बताया महाराष्ट्र, गुजरात में जोधपुर, ऐसे हरियाणा से काफ़ी, जो बाकी तो पंजाब में जितने शो सभी जीते। ये इसका नेचर आपको कैसा लग रहा है? ये नेचर बहुत अच्छा है। हाँ देखो अपने अपने पास आती है, बहुत किसके बच्चों का नेचर, घोड़े का आप खुद स्वभाव में बहुत अच्छा है तो बच्चे भी बहुत अच्छे आ रहे हैं स्वभाव में, उसी के नेचर पे, उसी पे नेचर में। हाँ बहुत ज़्यादा अच्छे। बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी आपका बातचीत करने के लिए। तो भाई जी हैं इनके स्टड फार्म की, और कई वीडियो हम जल्दी ही लेके आने वाले हैं। सबसे इसके बाद में जो वीडियो हम लेके आएंगे वो लाल रतन की है। लाल रतन की काफ़ी खासियत है, कई स्टेट अवार्ड जो है वो जीत चुका है, मार्केट में काफ़ी डिमांड है। भाई जी के पास कई फ़ोन आते रहते हैं कि लाल रतन हमें दे दो, लेकिन शौक जो है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए लाल रतन किसी को नहीं दे रहे। आप सरल के साथ जुड़े रहिए, इसी तरीके से स्टड फार्म की वीडियोज़ आप तक लेके आते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।